नमस्ते दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक ऐसे स्टॉक जिन स्टॉक में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए और एक अच्छी रिटर्न ले सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे, उसके पूरी फंडामेंटल रिपोर्ट देखेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे और उसके खासकर जो भी पैरामीटर्स हैं मेरे रिसर्च में वो सारी चीज़ें मैं देखूंगा। तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, ये वीडियो मेडिकेशन पर्पज़ बना रहा हूँ और जो भी रिपोर्ट यहाँ पर मैं पेश करूँगा ये मेरी खुद की रिसर्च है। अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी खुद की जिम्मेदारी से इन्वेस्ट करें, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करता, मेरे रिसर्च के ऊपर डिपेंड करके आप इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस स्टॉक के बारे में चर्चा करने वाला हूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। व्हीकल सेक्टर का है, कमर्शियल व्हीकल टाटा मोटर्स लिमिटेड, इसको मैंने सिलेक्ट किया। तो उसका जो खास खास पैरामीटर्स है वो सब कुछ देखेंगे फ्रेंड्स, जो मेरे पैरामीटर्स में फिट होते हैं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो पूरे वीडियो को देखिएगा और उसका टारगेट भी बताऊंगा, मेरा टारगेट क्या है इसमें। तो फ्रेंड्स, उसका मार्केट कैपिटल है 98,772.46 करोड़, नियर अबाउट 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है स्टॉक के। करंट प्राइस अभी चल रहा है 309.95, नियर अबाउट 304। बुक वैल्यू है 210.73, स्टॉक पीई 13.02, डिविडेंड ईएल 0.00%, और फेस वैल्यू है 2 रुपीज़। 52 वीक हाई 485.95 एंड 52 वीक लो 281.60। इसमें से जो खास पैरामीटर्स हैं मेरे, इसमें से हैं स्टॉक पीई, कंपनी का जो स्टॉक पीई है 13.02 है, जो मेरे पैरामीटर्स में फिट होते हैं, इसलिए मैंने स्टॉक को ठीक लग रहा है इस पी की रेशियो से। बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी। आप देखिए टाटा मोटर्स का चार्ट, आप लोग देखिए 3 इयर्स का चार्ट देखिए, ये नीचे से काफ़ी हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद देखिए ये काफ़ी नीचे है अभी 3 इयर्स के चार्ट में। उसका हम 5 इयर्स करके देख लेते हैं आप, ठीक है। 3 इयर्स के चार्ट में अभी ये फिलहाल फिट है मेरे लिए, मेरे रिचार्ज के अनुसार इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 इयर्स के यहाँ पर, हाँ 5 इयर्स का देखिए, 5 इयर्स का भी यहाँ पर एक डबल बॉटम क्रिएट हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, एक डबल बॉटम क्रिएट हुआ है 10 जून 2013, मतलब 2013 से लेके 2015 के मिडल और 2018 के बीच में एक डबल बॉटम क्रिएट हुआ है और मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है इस पोजीशन में, तो हम बाई कर सकते हैं। अगर हम बाई नहीं करेंगे ये मौका अपने हाथ से छूट जाएगा, बस इतना सही कह सकता हूँ। नेक्स्ट मेरे पैरामीटर्स में जो है, पहले हम देखेंगे कंपनी का सेल्स। फ्रेंड्स, कंपनी का सेल्स देखेंगे क्योंकि जिस कंपनी का सेल्स सबसे ज़्यादा होगा उस कंपनी का प्रॉफिट होगा, और जिस कंपनी की प्रॉफिट ज़्यादा होगी उस कंपनी में, हाँ अगर हम शेयर करेंगे तो शेयर बाई करेंगे तो हमें रिटर्न अच्छी मिलेगी। तो देखिए कंपनी का जो 2015 का सेल्स है 60,400 करोड़, और अभी का जो रिपोर्ट है 91,279 करोड़। तो ये बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स, बहुत ग्रोथ किया है सेल्स में। तो सेल्स जितना ज़्यादा है कंपनी का प्रॉफिट उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जो है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 2015 का 10,997 करोड़ और अभी 9,608 करोड़, थोड़े से कम हुआ है यहाँ पर, 1% का कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी का सेल्स बहुत ज़्यादा है। अदर इनकम जो है जून 2015 को 867 करोड़ था और अभी 365 करोड़, ठीक है। तो अदर इनकम थोड़ा सा कम है अभी कंपनी का, लेकिन दिसंबर 2017 के तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा है, डबल है, ठीक है फ्रेंड्स, डबल है, 181 करोड़ और 365 करोड़, सितंबर 2017 को भी तुलना में डबल है। तो ये भी पैरामीटर सब मेरे लिए फिट है। इंटरेस्ट देखेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट हम देख लेंगे। कंपनी का इंटरेस्ट है 1178 करोड़ और दिसंबर 2017 को 1247 करोड़ था। तो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट बहुत ही कम है यहाँ पर, पहले से कम है। उसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, जो कंपनी इंटरेस्ट डिक्रीज करेगा
उस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का अगर इंटरेस्ट कम है उसका मतलब क्या है, कंपनी का कर्जा कम है, कंपनी कहीं से भी लोन उठा के नहीं रखे, मतलब कि इधर उधर से लोन उठा के नहीं रखे हैं, उसको इंटरेस्ट ज़्यादा देना नहीं पड़ रहा, कंपनी जो है कर्ज़ा रिड्यूस कर रही है, इंटरेस्ट कम हो रहा है, ठीक है, तो ये मेरे लिए फिट है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले कंपनी का प्रॉफिट 2,307 करोड़, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब नेट प्रॉफिट देखेंगे हम। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का 2,175 करोड़ है, जो दिसंबर 2017 को 1,214 करोड़ था और अभी ये हो गया 2,175 करोड़। तो ये भी ग्रोथ है, मेरे पैरामीटर्स में फिट है, तो मेरे लिए नेट प्रॉफिट मेरे पैरामीटर्स में ठीक है, इंटरेस्ट भी सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल्स भी ठीक है और पीई रेशियो जो है वो भी मेरे लिए एकदम फिट है। अब हम एनुअल रिजल्ट देखेंगे, ठीक है, एनुअल रिजल्ट तो पूरी रिपोर्ट को देखिए आप लोग। एनुअल रिजल्ट जो है मार्च 2006 में 26,700 करोड़ था सेल्स, और अभी वो हो चुका है 29,294,619 करोड़। तो देखिए कितना ज़्यादा ग्रोथ क्या है सेल्स। सेल्स अगर इतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा तो प्रॉफिट तो होगा ही होगा, ठीक है। जहाँ पर था 26,700 करोड़ वो हो गया 2,94,000 करोड़। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे। मार्च 2006 2,462 करोड़ और अभी है 32,880 करोड़। तो ये भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ क्या है। इंटरेस्ट देखेंगे, इंटरेस्ट भी शायद ज़्यादा हो सकती है, जैसे जैसे प्रॉफिट भी होगा इंटरेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ेगा, अगर कम होगा तो बहुत अच्छी है। इंटरेस्ट 309 करोड़ था मार्च 2006 को और अभी ये 4,681 करोड़। कोई बात नहीं, क्योंकि 2,94,619 करोड़ के तुलना में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32,880 करोड़ के तुलना में यह इंटरेस्ट बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, यह भी मेरे लिए फिट है। अब हम देखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का 9,000 से ज़्यादा है, मतलब कि मार्च दिसंबर को 7,454 करोड़ था और अभी हो गया 9,100 करोड़ नियर अबल। तो ये भी मेरे लिए फिट है। अब हम देखेंगे ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, कंपनी की पर शेयर में कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि पर शेयर में जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा कंपनी उतना ग्रोथ करेगी और हमें भी आगे जाके प्रॉफिट मिलेगा। कंपनी अगर दिन ब दिन ग्रोथ करेगी तो कंपनी का शेयर जो है रेट बढ़ेगा और मेरी भी प्रॉफिट होगी। तो ईपीएस जो है मार्च 2006 में 42 रुपये था और अभी वो हो चुका है फ्रेंड्स, वो कम हो चुके हैं 21,95 करोड़ 95 रुपये, लेकिन ये मार्च 2017 का है। अभी जो करंट है वो करंट रिपोर्ट अभी तक नहीं निकले, वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कंपाउंड सेल्स ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ईयर्स का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 25% मेरे लिए फिट है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 14%, ये थोड़ा सा कम है, 15% से कम है, कोई बात नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 10 ईयर्स का 24% है। तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज़्यादा है, मेरे रिसर्च में 15% से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कंपाउंड प्रॉफिट जो है 15% से थोड़े से कम है, लेकिन 15% के नज़दीक है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट देख लेते हैं एक बार एक झलक। रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे हम, मेरे जो खास पैरामीटर्स हैं रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस जो है कंपनी के पास अभी तक जो पैसा है, लिक्विड मनी जो जमा है, वो हम देखेंगे, क्योंकि वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए सेफ है। मार्च 2006 में 5,722 करोड़ और अभी वो हो चुका है 57,382 करोड़। तो ये मेरे लिए फिट है। अब हम देखेंगे
बाकी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए सब कुछ ठीक है, अब हम बाकी सारे रिपोर्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इम्पोर्टेंट कुछ बातें करने वाला हूँ। रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस जो है कंपनी का 20,129 करोड़ है मार्च 2017 का, लेकिन इससे पहले मैंने अभी जो करंट जो आप लोगों को बताया 57,000 करोड़, तो यही ठीक है रिजर्व एंड सरप्लस। अब हम देखेंगे टोटल शेयर होल्डर फंड्स, टोटल शेयर होल्डर्स फंड जो है 20,809 करोड़, मार्च 2016 में 23,000 करोड़ था और वो हो चुका है 20,000 करोड़, 3,000 करोड़ कम है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, हम प्रोमोटर्स देखेंगे, प्रोमोटर्स देखने के बाद हमें सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि ये मार्च 2017 का है। अब इसमें से जो भी खास पैरामीटर्स है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे सबसे फाइनली जो खास पैरामीटर्स हैं जो किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है हमें देखना, कि आगे जाके हमें अच्छे रिटर्न मिलेगा कि नहीं, कंपनी फ्यूचर में कुछ कर सकेगा कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ करने के लिए कंपनी के पास पैसा होना चाहिए, अगर पैसा नहीं है तो कर्ज़ा लेना पड़ेगा, अगर ज़्यादा ज़्यादा कर्जा उठाएगा तो कंपनी प्रॉफिट कर नहीं पाएगा ठीक से। चलिए देख लेते हैं, कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल 679 करोड़, रिज़र्व देखेंगे यानी कंपनी का पास इक्विटी शेयर कैपिटल है 679 करोड़। अब कंपनी के पास रिजर्व कितना है, मतलब कि कंपनी के पास टोटल कितने पैसे हैं अभी, तो कंपनी के पास रिजर्व जो है वो है 20,809 करोड़, 20,129 करोड़ तक कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व मिला के कंपनी के पास अभी नेट वर्थ है 20,809। तो कंपनी के पास अभी टोटल कितना है फ्रेंड्स, कंपनी का हाथ में 20,809। अब हम देखेंगे 20,809 में से कितना बचते हैं कंपनी के पास हाथ में, क्योंकि कंपनी का अभी लोन कितना है वो देखेंगे। ये तो हो गया कंपनी का नेट वर्थ। कंपनी का सिक्योर लोन है 3,124 करोड़ और अनसिक्योर्ड लोन है 15,937 करोड़। तो कंपनी के पास जो है डेप्ट, टोटल डेप्ट यानी कंपनी को टोटल देना है, जो चुकाना है कंपनी को, वो है 19,061 करोड़। तो कंपनी का टोटल डेप्ट 19,061 करोड़ है और कंपनी के पास नेट ओर्थ है 20,809 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी जो है सब कुछ, अगर जो कर्जा है वो अगर चुका भी देते हैं फिर भी कंपनी के पास कुछ बचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस में रहते हैं, पॉजिटिव में रहते हैं। तो ये मेरे जो फाइनल पैरामीटर्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं उसमें एकदम फिट है, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा, मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ जो आगे जाके मुझे अच्छे रिटर्न देगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, मेरे लिए जो जो पैरामीटर्स की पैरामीटर्स में फिट होना चाहिए वो फिट है, मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरा जो टारगेट रहेगा इसमें, जैसे कि 310 रुपये का स्टॉक है, इसमें मेरा टारगेट है 390 रुपये का आने वाले 8 या 9 महीने में, 390 रुपये 8 से 9 महीने के बीच में। तो हमें आशा है फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो चुकी है टाटा मोटर्स के बारे में। अगर आपने इन्वेस्ट करके रखे पहले से ही और 400 के आसपास आपने खरीद के रखा और वो नीचे गिर गया, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आगे जाके ये आपको अच्छी रिटर्न देगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।